नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पिछले लंबे समय से नगर में मांस मदिरा की दुकानें नगर के लोगों के लिए सिरदर्द बनी हुई हैं, जिस पर कई बार ज्ञापन सौंपने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। मांस मदिरा दुकानों के लिए नगर परिषद पवई द्वारा स्थान सुनिश्चित होने के बावजूद मांस मदिरा दुकानदार सुनिश्चित स्थान पर दुकानें संचालित न करते हुए सड़क किनारे खुलेआम दुकानें संचालित किए हुए हैं, जिस कारण वहां से निकलने वाले लोगों को दुर्गंध और अपने आप को असहज महसूस करना पड़ा है। नगर में जगह जगह ये दुकान संचालित है, जिसको लेकर आज पवई के युवा समाज सेवियों द्वारा SDM के नाम तहसीलदार पवई के समक्ष शांतिपूर्ण तरीके से उपस्थित होकर नगर में संचालित मांस मदिरा की दुकानों को उनके यथा स्थान पर स्थापित करने के लिए ज्ञापन सौंपते हुए 3 दिवस के अंदर कार्रवाई कराए जाने की मांग की है। यदि 3 दिवस के अंदर प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है तो नगर के युवा समाज सेवी प्रशासन की कार्यप्रणाली के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। मछली एवं अंडे की दुकानें चल रही हैं, जो कि वैधानिक नहीं है। उनके लिए जहां स्थान निश्चित किया गया है, उस निर्धारित स्थान पर नहीं खोली जानी, जिसमें आमजन को दुर्गंध एवं बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। हम लोगों ने माननीय अनुभागीय अधिकारी राजेश पवई को ज्ञापन दिया है कि अगर 3 दिवस के अंदर दुकानें निर्धारित स्थान पर नहीं खोली गई तो सभी सामाजिक कार्यकर्ता एवं सभी सामाजिक संगठन उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूरी शासन प्रशासन की होगी। क्या आश्वासन है? तहसीलदार महोदय जी को ज्ञापन दिया है, उनके द्वारा कहा गया है कि 3 से 4 दिन के अंदर जो दुकानें हैं वो जगह सही जगह पर खोली जाएंगी। क्या नाम है आपका? अंकित पाठक, युवा समाज से। क्या है और सामान्यतः लोगों का आवागमन नहीं रहा, ये बात आप लोगों के माध्यम से संज्ञान में आई है। नगर पालिका अधिकारी से इस बारे में बात भी हुई है, शीघ्र ही इसका निराकरण किया जाएगा और निर्धारित स्थान पर ही ये जो मंडी है मांस वगैरह विक्रय के लिए जो निर्धारित स्थान है वहाँ से करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मंडी सर 1-2 वर्ष की बनी हो गई है और शासन द्वारा उनको आदेशित भी किया गया था, फिर भी वो वही दुकान लगा रहे हैं, क्या अब चली जाएंगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगी और ये जो भी निर्धारित स्थान है वहाँ पर ही इनको लगाना होगा, इसके बारे में पूरा प्रयास किया जाएगा।